दोस्तों नमस्कार। साल 2019 का ये वायरल वीडियो तो आपको याद होगा ही। सत्ता, ताकत, रुतबे और घमंड की अश्लील नुमाइश का ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह उर्फ चैंपियन का है। ये तमाशा हुआ था दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के गेस्ट हाउस में। इस वीडियो पर तब इतना बवाल मचा कि जुलाई 2019 में बीजेपी को चैंपियन को 6 साल के लिए पार्टी से निकालना पड़ा। इस वीडियो में विधायक की इन हरकतों पर अब ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि वो उस पार्टी का सम्मानित सदस्य है जो कभी राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरे वाली नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। लेकिन स्वाभिमानी उत्तराखंडी होने के नाते आपको इस विधायक की जिस बात पर सबसे ज्यादा गौर करना और सबसे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुना आपने? अगर सुन लिया और समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जी हाँ, हरिद्वार जिले के इस विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि उत्तराखंड को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, उसका उपहास उड़ाया है, उस भूमि को गाली दी है जिसे हमारे पुरखों ने अपना खून पसीना बहाकर जीने लायक बनाया, उसने एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की कोख से पैदा हुए राज्य उत्तराखंड को गाली दी है जिसके लिए कितने ही लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। हैरानी इस बात पर है कि इसी बदतमीज, बदमिजाज, घमंडी चैंपियन को उसकी पार्टी बीजेपी गले में फूल मालाएं डालकर, उसके हाथों में बुके थमाकर वापस ले आई। 6 साल का निष्कासन महज 13 महीने में ही रद्द कर दिया गया। इस लफंग की जुदाई शायद उसकी संस्कारी पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चैंपियन की घर वापसी से गदगद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट तो ये कहते हुए पाए गए कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कई भाषाएं जानते हैं। अपने पहाड़ के इन जन प्रतिनिधियों की बात पर हैरान मत होइए, शर्मिंदा होइए। चैंपियन कई भाषाएं जानता है क्या? तभी उसे उत्तराखंडियों की मातृभूमि को अपने लिंग पर रखने का गुमान है क्या? सांसद अजय भट्ट चैंपियन की इसी भाषा के मुरीद हैं। ये दिमागी दिवालियेपन की भाषा है, ये नफरत की भाषा है, सत्ता और ताकत की भाषा है, ये अहंकार की भाषा है, ठसक की भाषा है, पहाड़ियों को हिकारत की नजर से देखने की भाषा है। पहाड़ को अपने लिंग पर रखने का यह अश्लील गुमान उसी बीमार मानसिकता की पैदाइश है जिसने अपना राज्य मांगने दिल्ली आ रही पहाड़ की आंदोलनकारी माँ बेटियों के साथ 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर वर्दी में बलात्कार किया, जो उस जघन्य वारदात को ये कहकर सही ठहराते रहे कि गन्ने के खेत में कोई महिला आधी रात को मिलेगी तो उसके साथ बलात्कार ही होगा। चैंपियन की भाषा भी आताइयों की भाषा है। लेकिन जिस उत्तराखंड को ये बदमिजाज और बदतमीज बीजेपी विधायक अपने लिंग पर रखने की बात कर रहा है, उसी उत्तराखंड को लेकर चैंपियन की पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राय रखते हैं, अब जरा ये भी सुन लीजिए। मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। कोई भी हिंदुस्तानी होगा, देवभूमि कहते ही उसको हरिद्वार, गंगा जी, मठ मंदिर, ये बर्फीली चोटियां,
ये हरी भरी दुनिया योग ऋषि मुनि यही सबसे पहले याद आता है। देव भूमि को याद करते ही एक पवित्रता का भाव मन में उमड़ करके आता है। सुना आपने प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का उपयोग किया? देव भूमि, पवित्र भूमि, आध्यात्मिक चेतना की भूमि। लेकिन इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को इतने सुंदर शब्दों से नवाजें और उन्हीं की पार्टी का विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूरी बेशर्मी के साथ उसी राज्य को अपने लिंग पर रखने का दम भरे और फिर बीजेपी उसे फूल माला पहनाकर धूमधाम से पार्टी में वापस शामिल करा ले। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर कोई पार्टी अपने जरा से राजनीतिक नफे के लिए पहाड़ और पहाड़ियों के स्वाभिमान, उनके मान सम्मान को गहरी चोट पहुंचाने वाले विधायक को ऐसा इनाम देती है, तो फिर ये क्यों ना समझा जाए कि ये पार्टी भी उत्तराखंड को उसी नजरिए से देखती है जैसा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन देखता है। एक उत्तराखंडी होने के नाते इस पूरे तमाशे से अगर आप भी आहत हुए हैं, आपके दिल में भी अगर गहरे चुभा है और चैंपियन को सिर माथे पर बैठाने वालों को लेकर आपका भी खून खौल रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सबको बताएं कि एक दो कौड़ी के नेता ने उत्तराखंड की अस्मिता का कितना बड़ा अपमान किया है और आपके वोट से सरकार बनाने वाले लोगों ने पूरे अवाम के अपमान को ठेंगे पर रखकर कैसे उससे गुपचुप सौदेबाजी कर ली। ये बात उत्तराखंड के हर शख्स तक पहुंचनी जरूरी है कि उत्तराखंड के स्वाभिमान को रौंदने वाले जाहिल बदतमीज बेशर्म चैंपियन को कैसे एक राजनीतिक दल ने पूरी निर्लज्जता के साथ खुशी खुशी गले लगा लिया है। मुझे उम्मीद है आप पहाड़ के इस अपमान को भूलेंगे नहीं।